और हम लोग जा रहे हैं आज मोनू के ससुराल से जो है इनविटेशन आया था काली पूजा को लेकर के, इतने भी लोग हैं सभी को आमंत्रण था, तो आए हुए थी यहाँ मोनू के ससुराल। और अभी आप देख रहे होंगे कि हम जो है बैग लेकर के कहीं निकल रहे हैं। कुछ परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में जी। कल दीपावली जो है हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया और काफी अच्छा लगा जी। क्रियांश की पहली दिवाली थी और क्रियांश भी बहुत मजे में था और बहुत ही मजा कर रहा था। और इधर जिया जो है अब हम उसी से बात कर रही है वीडियो कॉल पर। वो क्रियांश से बात करने के लिए फोन की थी, लेकिन हुआ क्या, क्रियांश सोया हुआ है। तो जी अभी आप हमें देख रहे होंगे बिल्कुल तैयार है, शर्ट जींस पहन करके, जूता सब पहन करके। हाँ जी, कहीं हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आज मोनू के ससुराल। मोनू के ससुराल से जो है इनविटेशन आया था काली पूजा को लेकर के, इतने भी लोग हैं सभी को आमंत्रण था, लेकिन सभी लोग जो है जा नहीं सकते हैं क्योंकि क्रियांश को लेकर के जो है घूमना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से एक बात और, घर को यहाँ खाली छोड़ना भी सेफ नहीं है। जब भी मोहल्ले में कोई भी घर को खाली छोड़ करके गया है तो उसके घर में चोरी हो गई है। तो चोरी से बचने के लिए जो है घर में हमेशा कोई ना कोई एक सदस्य रहता है, तो मोलू यहाँ पर आकर के जिया के साथ अपना रहेगा। क्या हुआ दीदी, कुछ बोलना चाह रही थी? पहले तो डैडी से ही, इनको तैयार होने में 2.5 घंटा लगता है, 3 घंटा। अच्छा, और दूसरी बहू आ गई है, इसको 6 घंटा। यहाँ पर क्रियांश का मालिश हो रहा है। क्रियांश मालिश करवा रहा है, हो गई मालिश। बना लेगा ना, नानी का खाना बनाएगा, जा बना देना नानी का खाना। क्रियांश ए क्रियांश, आ जा 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 मम्मी के पास, आ जा आ जा आ जा। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा वो, आ जा आ जा ना। काले से देख लेने रहे तो नानी के पास रहेगा, नानी के पास रहेगा। जा फिर आ जा। चलो चलो चलो, इधर आके तुमको दुलार करने, बहुत दुलार करती है, तुमको बहुत प्यार करती है। A few moments later, हाथी वाला घोल है ना, वाला नहीं नहीं वो सब पानी बोतल उसको देते हैं। कितनों का खाना होगा तो कमजोरे नहीं होगा। वही ठीक किया था मेरी अर्जुन को भी, ये हाल जो था पर हाथ नहीं मार रहा था। बुला लाते हैं, निकल जाएगा। तो सभी लोग अब तैयार हैं जी, और अब यहाँ निकलने की कर रहे हैं तैयारी। और क्रियांश जो है अपनी दादी के गोद में था, तो क्रियांश को लग रहा था कि वहाँ भी निकलने वाला है, तो दादी कुछ हो ही नहीं रहा था। हम लोग जी घर से निकल चुके हैं और अभी बीच रास्ते में रुक करके अपना चाय का आनंद ले रहे हैं। तो सभी लोग अपना चाय पियेंगे, फिर आगे अपना यहाँ से सफर कंटिन्यू होगा। अच्छा, पोता के लिए चिंता हो रही है? सर पर भरोसा है, सब चीज ठीक रहेगा, लेकिन आ रही है स्वभाव से लाचार। तो आए हुए थे जी हम मोनू के ससुराल, और अभी आप देख रहे होंगे कि हम जो है बैग लेकर के कहीं निकल रहे हैं। कुछ परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्रियांश की तबीयत हो गई है खराब, यहीं से एक रिलेटिव जो है वह जा रहे हैं कटिहार की तरफ, तो उनके साथ तो हम निकल जाएंगे। मम्मी सब यहीं पर रहेंगी, बाकी सभी से आपको मिला देते हैं। ये रितु की दादी है, यानी सोनू की भी दादी। ये हमारे समधी साहब है, दादी का बड़ा लड़का, वो मझले वाले हैं जो यहाँ रहते हैं भोजपुर में, इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हैं। आई हम समझी है ऋतु की माँ, हमारे छोटे समझी आस्तिक बाबू, और सभी बाल बच्चा इसी परिवार का सब। अच्छा, सोचे थे यहाँ पर आकर के रुकेंगे, लेकिन मजबूरी बस अब निकलना पड़ रहा है। चलो, संबंध जो होता है ईश्वर का दिया हुआ होता है, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे संबंध बरकरार रहेगा, इसलिए आना जाना लगा ही रहेगा। आए हुए हैं जी मंदिर, इस मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों का जमींदारी के समय में काली पूजा बहुत पुराना परंपरा है। अच्छा, पहले जमींदारी के समय में हम लोगों के यहाँ 8 जगह पूजा होता था, लेकिन धीरे 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 वो घट करके 1 जगह रह गया। ठीक है, जो अभी सार्वजनिक के बाद फिर एक आदमी का व्यक्तिगत हो गया। और उसके बाद हम लोग करीब 60 साल से दरवाजा पर काली पूजा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा परिवार का है? ये हम लोगों के अपने परिवार का है मंदिर। जैसे हम लोग के गांव में होता है इस तरह मंदिर, तो उसको कहा जाता है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी रहे, ये मंदिर है, इसमें दुर्गा पाठ और काली जी का पूजा होता है। अच्छा, फिर ये बंद रहा। चलिए हम ये प्रणाम कर लेते हैं। हाँ,
अच्छा। हम लोग तो पूर्व परिचित थे लेकिन वर्तमान में एक नया समझ जुड़ा है, इत्तेफाक हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा, बड़ी सौभाग्य की बात है, अपने आप को गर्व महसूस करता है बच्चे को देख करके। आप भी आइए, ये भी डॉक्टर बनेगा, ये भी डॉक्टर बनेगा क्या? हम लोग पूर्व भी परिचित है, परिचित ने रिलेशन में, वर्तमान एक नया रिलेशन, अब कौन बड़ा कौन छोटा जो तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा है हम लोग फिर से दोबारा मिल रहे हैं। ये हमारा सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई हुआ आपका। अच्छा, यहाँ का कारोबार यही देख रहा है, यहाँ पर पूरा परिवार है। वहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात करके काली माता के दर्शन करके वहाँ से निकल ली, और काफी हमें खराब लग रहा था कि जैसे ही आए और वैसे ही निकलना पड़ गया। लेकिन साथ ही चिंता हो रही थी अपने बेटे क्रियांश की कि उसकी तबीयत कैसी होगी, और मन में यह भी चल रहा था कि जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए, पता नहीं क्रियांश की क्या हालत हो रही होगी इस समय। और बीच रास्ते में जी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए जलालगढ़ में, जहाँ पर काली मंदिर है, और यहाँ पर भी माता के दर्शन कर लिए। The next day. कल शाम 7:30 बजे ही हम पहुंच गए थे घर, और क्रियांश की जो तबीयत अभी आप देख सकते हैं, अभी तो क्रियांश जो है दूध पी रहा है, अभी थोड़ा सा शांत है क्योंकि उसके मुंह में बोतल लगा हुआ है, वरना इतना रो रहा है। जब इसका मूड ठीक रहता है तब थोड़ा हंसता भी है, खेलता भी, ऐसा नहीं है, दोनों चीज कर रहा है। लेकिन यह जो बच्चा है थोड़ा सा हंसमुख है, और जितना ज्यादा हंसता खेलता रहता है उतना ज्यादा हंस खेल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत हो गई खराब, इतनी ज्यादा पोटी हो रही है उसे। जितना भी दवाई सब होता है वो सब तो दिया है हमने, जो भी होता है, जब लास्ट टाइम दिखाया था उस समय का दवा था हमारे पास तो दिया है, देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं। और अगर नहीं आएगा तो कल सुबह ही हम लोग चलेंगे डॉक्टर के पास, और वहाँ जा करके क्रियांश का ट्रीटमेंट करवाएंगे। जिया के बारे में भी सभी लोग पूछ रहे थे वहाँ पर, ऋतु के यहाँ की जिया नहीं आई, तो जिया नहीं आ सकी थी, आपको जैसा कि कंडीशन बताया था उस वजह से नहीं आ पाई। और तुमको सब लोग तो ढूंढ रहे थे, चलना एक बार कभी। हाँ, जाएंगे। ऐसा करेंगे मोनू, रितु, हम तुम, कभी होगा तो किसी ओकेजन पर जरूर चलेंगे। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कुछ भी अभी शूट करने का जो है आज मूड नहीं किया, क्योंकि क्रियांश की तबीयत खराब थी, कुछ भी शूट नहीं किया उस टाइम। कहते हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा था कि क्या शूट करे नहीं करे, और मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का। आज हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि क्रियांश की इतनी हालत खराब थी कि मतलब उसको छोड़ ही नहीं सकते थे। एक आदमी पकड़ रहा था तो एक आदमी कुछ कर पा रहा था, मतलब इतनी पॉटी हो रही थी कि मतलब हमको लगता है हम दो वॉशिंग मशीन कपड़ा धोए हैं और धोने के लिए। और यहाँ पर हो क्या रहा है जी, दोनों लोग जो है अपना व्यस्त है, और एक मिनट के लिए भी क्रियांश को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, अभी ऐसा सिचुएशन है, छोड़ने भी नहीं दे रहा है, मतलब उसको बेड पे लिटा के अगर आप चाहिएगा कि कुछ काम कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, आपको बात करते रहना पड़ेगा ताकि उसका मन जो है इधर उधर भटकता रहे और खेलने कूदने में थोड़ा सा मस्त रहे, है ना क्रियांश? हेलो कर दो सबको, हेलो बोल दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे क्रियांश के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए जैसे पहले था, है ना क्रियांश? बिल्कुल, और एकदम वीडियो में हंसता खेलता नजर आए। और आजकल जो है लोग हमसे ज्यादा क्रियांश को ही देखना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमको देखने नहीं आते, क्रियांश को देखने आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि इतना इसका स्माइल बना रहे तो प्लीज दुआ कीजिएगा, कहते हैं सबके दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो प्लीज आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।